वेलकम बैक टू आर चैनल और आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है लिपस्टिक्स जी हाँ एंड वो सिक्सटीन लिपस्टिक्स हैं जो मुझे सिर्फ पड़ी है फोर एटी एट रुपीज़ की कैन यू बिलीव सिक्सटीन लिपस्टिक्स इन फोर एटी एट रुपीज़ जी हाँ वो लिपस्टिक्स है ये जर्स्ट हर्ब्स की माइक्रो मिनी लिपस्टिक्स एंड जस्ट हर्ब्स एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और ये अच्छी सी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था ये मैंने इसका लेबल निकाल लिया बट ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग का है तो आपको कहीं और स्टोर करने की लिपस्टिक जरूरत नहीं पड़ेगी एक छोटू सा प्यारा सा ही कार्डबोर्ड बैग टाइप का आपको दिया है आप इसी में कैरी कर सकते हो और अगर आप कहीं भी अपनी ड्रेसिंग टेबल में भी इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा एंड क्यूट लगेगा तो चलिए मैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है घी आलमंड ऑयल एंड सेसमे ऑयल एंड इसके अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है मुलेठी खारीती बटर शतावरी अश्वगंधा और भी इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल हैं बिल्कुल इस लिपस्टिक का क्लेम है कि ये कि पैराबिन फ्री है हार्मफुल केमिकल फ्री है और ये आप के लिप्स पे फोर टू सिक्स आवर्स लास्ट करेगी रही बात स्मच प्रूफ की तो इसके डिस्क्रिप्शन में ही लिखा था कि ये स्मच प्रूफ नहीं है बिकॉज़ ये के, केमिकल से नहीं बनी है बट इसके शेड्स बहुत औसम है तो चलिए इसके शेड्स मैं आपको दिखाती हूँ तो गाइज ये सारे शेड्स हैं इन शेड्स का को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है जैसे वन है ये टू है ये थ्री है, है फोर फाइव सिक्स ऐसे ये पेपर में थोड़ा चिपका के शेड्स दे दिए पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है और पैकेजिंग के अंदर मैं आपको बताना भूल गई पैकेजिंग थी उसके अंदर लिपस्टिक्स थी और उसके ऊपर से थोड़ी कंफर्टी सॉर्ट ऑफ थी ताकि थोड़ा अच्छा लग रहा था सारे शेड्स के मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ तो चाहिए तो ये सारे शेड्स हैं आप देख सकते हैं और ये लिपस्टिक्स जो आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर ये जो है इसमें थोड़ा डिफरेंस इनफैक्ट मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा और अगर आप इसको लगाएंगे भी तो सारे शेड्स पे आपके लिप्स पे ना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं सिमिलरली फाइव सिक्स भी आप देख सकते हैं हॉट रेड सेम है से ये बाकी ये शेड्स कुछ अलग भी हैं बट इतने अलग नहीं है तो यू ना सिक्सटीन लिपस्टिक्स तो है बट शेड्स उतने डिफरेंट नहीं है उन्नीस बीस का फ़र्क है रही बात इसके मतलब कितने ईजली ये ग्लाइड हो रहा है तो हाँ ये काफ़ी ईजिली ग्लाइड हो रहा है आप देख सकते हैं तो इसके लिए टेन आउट ऑफ टेन पॉइंट्स हैं और अभी इसके स्मज प्रूफ है कि नहीं वो भी चेक करते हैं तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में कहा था कि स्मज प्रूफ नहीं है बट हम देखते हैं कि स्मज प्रूफ है कि नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा अच्छे से स्मज प्रूफ नहीं है बहुत आसानी से स्मज हो जाता है तो अगर आप एक मतलब ऐसे हैं कि आपको यू नो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लिपस्टिक लगानी है और आप बार बार नहीं लगाना चाहते हैं तो ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है अदरवाइज़ अगर आप अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हाँ ये आप लिपस्टिक यूज़ कर लेते हैं अब एक बार वाटर प्रूफ है कि नहीं वो भी देख लेते हैं मुझे नहीं लगता है बट स्टिल देख लेते हैं। ये देख लो मैंने इसमें पानी यूज़ कर लिया है और हाँ ये पानी से भी इसलिए हट जाएगा पानी से भी वाटर प्रूफ भी नहीं है बिल्कुल भी और हाँ दूसरी बात ये है कि मेकअप रिमूवर से ही बहुत इजीली लिपस्टिक्स रिमूव हो जाएंगी मैं आपको अभी थोड़ा डेमो करके दिखाती हूँ मेकअप रिमूवर से तो ये मेकअप रिमूवर है और आप देख सकते हैं कि इजीली मेकअप रिमूवर से ही चला गया तो बिल्कुल भी मतलब आपको घिसना नहीं पड़ेगा ईजिली रिमूव हो जाएगा तो एक फ़ाइनल रिव्यू और ले लेते हैं चलिए तो गाइज मेरा फ़ाइनल रिव्यू इन लिपस्टिक के बारे में ये पहली बात तो ये है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इसका साइज वो एटलीस्ट इतना किया था बट ये बहुत ही मिनी आई है तो और ये मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती इतनी मिनी लगाने में और तो पहली बात तो यह एक्सपेक्टेशन थोड़ी बड़ी की थी आई छोटी दूसरी बात अभी मैं इसके नो स्वर्च कर रही थी तो वो लिपस्टिक्स दो टूट गई बीच में से मतलब बहुत डेलिकेट सी हैं फिर मैंने उसको फ्रीज़र में भी रखा है ताकि यू नो जुड़ जाए वापस से तीसरी बात ये लिपस्टिक यू नो सारे शेड्स जैसे मैंने आपको दिखाया काफ़ी शेड सिमिलर भी हैं इसमें बट हाँ अगर आप ये लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो आप जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं कि थोड़े डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाएंगे और आपको छोटी छोटी लिपस्टिक कैरी करनी पड़ेगी बट हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये चार पाँच घंटे आराम से टिक जाएगा और हाँ बहुत एप्लीकेशन में काफ़ी स्मूथ है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा उस लिंक से आप जाकर ले सकते हैं थैंक यू